उन्हें आवास नहीं दिया जाता, बुनियादी सुविधाएं भी उनको शौचालय भी मिलता है, उनको बिजली का कनेक्शन, उनको गैस का कनेक्शन, उनको पानी का कनेक्शन, 5 लाख तक का इलाज कराने का आयुष्मान भारत का कार्ड, गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। और यह याद दिलाना आवश्यक समझता हूं आज इस बैठक मेरे कार्यकर्ता मित्रों, जब कांग्रेस की सरकार थी, सपा बसपा के समर्थन से सरकारें चला करती थी देश की, और इसमें कई हमारे वरिष्ठ नेता लोग बैठे, याद है कि नहीं, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री होते वो कहते थे दिल्ली की संसद में खड़े होकर के कहते थे बड़े गर्व से कि हम दिल्ली से 1 रुपया अगर भेजते हैं किसी लाभार्थी को, किसी गरीब कल्याण की, किसान कल्याण की, श्रमिक कल्याण की योजना का, तो वहां पहुंचते 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 केवल 15 पैसा पहुंचता है। किसी को याद है कि नहीं याद है? लेकिन आज हम छाती ठोक करके कह सकते हैं कि 56 इंच के सीने वाले की जब से आपने देश में सरकार बनाई है, 1 लाख रुपए भेजे चाहे 1 लाख रुपए भेजे, पूरा का पूरा पैसा जिसके लिए भेजा जाता है उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से पहुंचता है। कौन भ्रष्टाचार है? जो भ्रष्टाचार करते जा रहे उनको भ्रष्टाचार करने को नहीं लेना, इसे सब परेशान है। और मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, और मुझे तो कोई संशय नहीं लगता है कि 80 में से 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खाते में, और देश में हम लोग 272 प्लस पिछली बार लगा रहे थे नारा ना, जब 2014 का चुनाव था, याद है आप लोगों को, तो जनता का आशीर्वाद तो 272 प्लस के लिए मिल गया, और 2019 में नारा लग रहा था जब सपा बसपा का गठबंधन हो गया था तब भी कि आपकी बात 300 पार, तो 300 पार हो गया कि नहीं हो गया, तो 2024 में 400 पार तो उत्तर प्रदेश होनी चाहिए, या लक्ष्य और संकल्प लेकर के आगे बढ़िए। और आप भरोसा रखिएगा, ये चाहे जितना जहर फैलाने की कोशिश करे, चाहे जितना जातिवाद, चाहे जितना तुष्टिकरण, जितना विस्मरण करने की कोशिश करे, जनता सब समझती है कि नहीं समझती बताओ जरा, इनके रोज रोज के बयान, टीवी के डिबेट, अखबारों के समाचार का असर जनता पे इनके खिलाफ हो रहा है कि इनके समर्थन में हो रहा है? आम जन समझ रहा है कि अब जब सत्ता किसी तरीके से नहीं मिल रही तो वह विषय उठा रहे हैं, जो विषय उठाने का कोई औचित्य नहीं, जनहित से इनका कोई लेना देना नहीं, इनका लेना देना केवल गुंडों से है, अपराधियों से है, माफियाओं से है,